वेलकम स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के टॉपिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की हमारी थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट देखें पहले। प्रत्येक द्विरेखीय रूपांतरण दो परिमित निश्चित बिंदु अल्फा कोमा बीटा के साथ निम्न रूप में व्यक्त की जा सकती है। डब्लू माइनस एल्फा फोन डब्लू माइनस बीटा इक्वल टू लेमड़ा इंटू डबल जेड माइनस एल्फा फोन जेड माइनस बीटा। तो कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत परिमित निश्चित बिंदु दे रखे हैं अल्फा कोमा बीटा है, तो वो निम्न रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। वो आपको प्रूव करना है, वो रूप क्या है। डब्लू माइनस एल्फा फोन डब्लू माइनस बीटा इक्वल टू जेड माइनस जेड इंटू जेड माइनस एल्फा फोन जेड माइनस बीटा। तो ये आपको रिजल्ट प्रूव करना है। तो प्रूफ देखें, माना अल्फा कोमा बीटा किसी एक द्विरेखीय रूपांतरण के दो परिमित निश्चित बिंदु है तथा इसके अंतर्गत एक अन्य बिंदु गामा बिंदु डेल्टा को प्रतिचित्रित होता है। अतः बिंदु अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा कोमा जेड के प्रतिबिंब बिंदु क्रम से अल्फा कोमा बीटा कोमा डेल्टा कोमा डब्लू है। चूँकि द्विरेखीय रूपांतरण के अंतर्गत बिंदुओं के भुजा अनुपात निश्चित रहते हैं, क्रॉस रेशो हैं वो क्या होते हैं, इनवेरिएंट होते हैं। अतः क्रॉस रेशो लेंगे हम, डब्लू कोमा अल्फा कोमा डेल्टा कोमा बीटा इक्वल टू होगा जेड इन कोमा अल्फा कोमा गामा कोमा बीटा। तो इम्प्लाई डेट डब्लू माइनस अल्फा इंटू डेल्टा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस डेल्टा इंटू बीटा माइनस डब्लू इक्वल टू जेड माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस जेड। इम्प्लाई डेट डब्लू माइनस अल्फा अपॉन डब्लू माइनस बीटा, इस रूप में आपको रिजल्ट प्रूफ करना है। तो डब्लू माइनस अल्फा अपॉन डब्लू माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस डेल्टा इंटू बीटा माइनस गामा अपॉन बीटा माइनस डेल्टा इंटू अल्फा माइनस गामा इंटू जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा। देयर फोर डब्लू माइनस अल्फा अपॉन डब्लू माइनस बीटा इक्वल टू लेमड़ा इंटू जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा, जहाँ लेमड़ा इक्वल टू कितना है अल्फा माइनस डेल्टा इंटू बीटा माइनस गामा अपॉन बीटा माइनस डेल्टा इंटू अल्फा माइनस गामा। तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। डब्लू माइनस अल्फा अपॉन डब्लू माइनस बीटा इक्वल टू कितना गया, लेमड़ा इंटू जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा, जहाँ लेमड़ा इक्वल टू कितना है अल्फा माइनस डेल्टा इंटू बीटा माइनस गामा अपॉन बीटा माइनस डेल्टा इंटू अल्फा माइनस गामा। तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इसके बाद टिप्पणी है, रिमार्क है, डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी के सामान्य रूप हेतु सर्वप्रथम इसके दो परिमित निश्चित बिंदु अल्फा कोमा बीटा यदि विद्वान है तो उसको किस इक्वेशन से ज्ञात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उससे हम दो इनवेरिएंट पॉइंट को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो सी जेड स्क्वायर प्लस डी माइनस ए इंटू जेड माइनस बी इक्वल टू जीरो की क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रखी है के मूल है। तदुपरांत उपयुक्त प्रमेय के अनुसार सामान्य रूप होगा, नॉर्मल फॉर्म होगी, वो क्या होगी, डब्लू माइनस अल्फा अपॉन डब्लू माइनस बीटा इक्वल टू जेड इंटू जेड माइनस अल्फा इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा। तो डब्लू माइनस अल्फा अपॉन डब्लू माइनस बीटा इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा क्या होगा, इसकी नॉर्मल फॉर्म होगा, जहाँ लैम्ब्डा निम्न प्रकार निर्धारित करते हैं। चूँकि बिंदु जेड इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी बिंदु डब्ल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी में रूपांतरित होता है, अतः लिमिट डब्ल्यू टेंस टू इन्फिनिटी डब्ल्यू माइनस अल्फा अपॉन डब्ल्यू माइनस बीटा इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू जेड की जगह कितना लगेंगे, माइनस डी अपॉन सी माइनस अल्फा अपॉन माइनस डी अपॉन सी माइनस बीटा। तो इम्प्लाई डेट, चूँकि लिमिट क्या है, डब्ल्यू टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो डब्ल्यू टेंस टू इन्फिनिटी इस प्रकार की लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम उसको क्या ले लेते हैं, अगर इन्फिनिटी से लिमिट क्या होगी, टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इस प्रकार को सॉल्व करने के लिए उसको हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, जिससे डिनोमिनेटर में क्या आ जाती है, इन्फिनिटी आ जाती है। चूँकि वन ओपन इन्फिनिटी का मान कितना होता है, जीरो, इसलिए हम डब्ल्यू क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आंसर हर में डब्ल्यू को कॉमन लेते हैं। तो क्या रूप बनेगा, इम्प्लाइडेड लिमिट डब्ल्यू टेंस टू इन्फिनिटी वन माइनस अल्फा अपॉन डब्ल्यू अपॉन वन माइनस बीटा अपॉन डब्ल्यू बराबर लेमड़ा इंटू डी प्लस अल्फा सी अपॉन डी प्लस बीटा सी। तो इम्प्लाई डेट और लिमिट ले लेंगे डब्ल्यू टेंस टू इन्फिनिटी तो क्या प्राप्त होगा, वन माइनस जीरो अपॉन वन माइनस जीरो, तो वन अपॉन वन कितना हो गया, वन। तो इम्प्लाई डेट वन इक्वल टू लेमड़ा इंटू डी प्लस अल्फा सी अपॉन डी प्लस बीटा सी। तो इम्प्लाई डेट लेमड़ा इक्वल टू डी प्लस बीटा सी अपॉन डी प्लस अल्फा सी। तो यहाँ से हमें किसका मान प्राप्त हो गया, लेमड़ा का मान, और कितना मान है, लेमड़ा इक्वल टू डी प्लस बीटा सी अपॉन डी प्लस अल्फा सी। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम लेमड़ा का मान निकाल सकते हैं। इसके बाद है हमारे एग्जाम्पल।
तो आपके अब यूनिट फाइव है उसके क्या आपके एग्जाम्पल प्रारंभ होते हैं। तो मैं जो भी एग्जाम्पल आपको बताऊंगा वो सभी वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखें, प्रदर्शित कीजिए कि रूपांतरण W इक्वल टू ट्वाइस जेड प्लस थ्री अपॉन जेड माइनस फोर वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो को सरल रेखा फोर यू प्लस थ्री इक्वल टू जीरो में प्रतिचित्रित करता है। तो ये आपको प्रदर्शित करना है। W इक्वल टू एक इक्वेशन दे रखी है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत और एक सर्कल दे रखा है जो सरल रेखा में फोर यू प्लस थ्री इक्वल टू जीरो में क्या करता है, प्रतिचित्रित करता है। तो सॉल्यूशन देखिए, जो रूपांतरण दे रखा है आपको W इक्वल टू ट्वाइस जेड प्लस थ्री अपॉन जेड माइनस फोर है, इस रूपांतरण का प्रतिलोम रूपांतरण लिखते हैं। जेड इक्वल टू कितना होगा, फोर डब्ल्यू प्लस थ्री अपॉन डब्ल्यू माइनस टू। इसे क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया हमने, फर्स्ट नाम दिया। तो दिए गए व्रत की समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, तो इम्प्लाइड डेट चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसका मान है, जेड जेड बार का, और एक्स बराबर कितना होता है, जेड प्लस जेड बार अपॉन टू। तो इम्प्लाइड डेट जेड इंटू जेड बार माइनस ट्वाइस इंटू जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। इसमें जेड और जेड बार का मान इक्वेशन एक से प्रतिस्थापित करने पर डब्ल्यू समतल में इसके प्रतिबिंब का समीकरण, डब्ल्यू समतल में इसके प्रतिबिंब का समीकरण क्या होगा, फोर डब्ल्यू प्लस थ्री अपॉन डब्ल्यू माइनस टू इंटू फोर डब्ल्यू बार प्लस थ्री अपॉन डब्ल्यू बार माइनस टू माइनस टू इंटू फोर डब्ल्यू प्लस थ्री अपॉन डब्ल्यू माइनस टू प्लस फोर डब्ल्यू बार प्लस थ्री अपॉन डब्ल्यू बार माइनस टू इक्वल टू जीरो। चूँकि W माइनस टू इंटू डब्ल्यू बार माइनस टू क्या है, कॉमन है, तो ये तो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद जो भी टर्म बचेगी वो आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगी। और ये W माइनस टू इंटू डब्ल्यू बार माइनस टू इक्वल जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जीरो से कोई भी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, जीरो। तो इम्प्लाइड डेट सोलह इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार प्लस बारह डब्ल्यू प्लस बारह डब्ल्यू बार प्लस नाइन माइनस टू इंटू फोर डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू आर प्लस थ्री डब्ल्यू आर माइनस एट डब्ल्यू माइनस सिक्स प्लस फोर डब्ल्यू डब्ल्यू आर प्लस थ्री डब्ल्यू माइनस एट डब्ल्यू आर माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसके बाद इसमें जो भी टर्म जिनका मान सेम है तथा एक पॉजिटिव है तथा एक नेगेटिव है, तो सेम टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो जो भी इस इक्वेशन में जो टर्म बचेगी उनको हम लिख देंगे। तो इम्प्लाइड डेट बाईस इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार प्लस तैतीस इक्वल टू जीरो। चूँकि डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार का मान किसके इक्वल होता है, ट्वाइस यू, तो इम्प्लाइड डेट चवालीस यू प्लस तैतीस इक्वल टू जीरो। अब इसमें हम क्या करते हैं, ग्यारह से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो क्या प्राप्त हुआ, इम्प्लाइड डेट फोर यू प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये किसकी इक्वेशन है, सरल रेखा की इक्वेशन है। तो आपको ये प्रूव करना था कि एक रूपांतरण दे रखा है और एक सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, तो एक सरल रेखा में प्रतिचित्रित होता है, तो हमें वो उस सरल रेखा का मान कितना था, फोर यू प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो वही सरल रेखा में प्राप्त हुई और उसका मान फोर यू प्लस थ्री इक्वल टू जीरो में प्राप्त हुआ। तो ये आपका सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये आपका ये सवाल क्या कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया। तो सवाल नंबर फर्स्ट क्या हो गया आपका, सॉल्व हुआ। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर है फोर्थ, एग्जाम्पल फोर्थ देखें, वैद्यरेखीय रूपांतरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु Z1 इक्वल टू इन्फिनिटी Z2 इक्वल टू आयोटा तथा Z3 इक्वल टू जीरो को क्रम से बिंदु W1 इक्वल टू जीरो W2 इक्वल टू आयोटा तथा W3 इक्वल टू इन्फिनिटी में प्रतिचित्रित करता है। तो वह बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको ज्ञात करना है कि जो बिंदु Z में तीन बिंदु दे रखे हैं उनको W में तीन बिंदु हैं उनमें क्या करता है, प्रतिचित्रित करता है। तो सॉल्यूशन देखिए, द्विरेखीय रूपांतरण के लिए तीन बिंदु दे रखे हैं तो उनके लिए क्या होता है, क्रॉस रेशो W माइनस डब्ल्यू वन इंटू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री अपॉन डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू इंटू डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जेड माइनस जेड वन इंटू जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन जेड माइनस जेड वन माइनस जेड टू इंटू जेड थ्री माइनस जेड। तो इम्प्लाई डेट, अब चूँकि यहाँ पे डब्ल्यू जेड वन का मान कितना है, इन्फिनिटी है, और डब्ल्यू थ्री का मान कितना है, इन्फिनिटी है, तो जो टर्म इन्फिनिटी होती है उनको आपस क्या ले लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। तो डब्ल्यू थ्री को कॉमन ले लेंगे और जेड वन को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इम्प्लाइड डेट डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू थ्री माइनस वन अपॉन डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू और वन माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू थ्री। तो दो ऊपर में अंश में डब्ल्यू थ्री कॉमन लिया और में डब्ल्यू थ्री कॉमन लिया और आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इम्प्लाइड डेट जेड अपॉन जेड वन माइनस वन जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन वन माइनस जेड टू अपॉन जेड वन इंटू जेड थ्री माइनस जेड। इसमें भी आंसर हर में जेड वन कॉमन लिया, कैंसिल हो गया। इसके बाद हम जेड वन का मान हमारे पास है, जेड टू जेड थ्री का मान है उसको रख देंगे, और चूंकि डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री के मान ही हमारे पास है, उन मानों को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इम्प्लाइड डेट डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन का मान कितना है, जीरो। तो डब्ल्यू माइनस जीरो इंटू
डब्लू टू डब्लू थ्री का मान लिख देंगे आयोटा अपोन इन्फिनिटी माइनस वन अपोन जीरो माइनस आयोटा इंटू वन माइनस डब्लू अपोन इन्फिनिटी बराबर जेड अपोन इन्फिनिटी माइनस वन इंटू आयोटा माइनस जीरो अपोन वन माइनस आयोटा अपोन इन्फिनिटी इंटू जीरो माइनस जेड। तो इम्प्लाई डेट चूँकि डब्लू माइनस जीरो तो डब्लू प्राप्त होगा, आयोटा अपोन इन्फिनिटी तो कितना होगा जीरो प्राप्त होगा, तो माइनस डब्लू अपोन माइनस डब्लू अपोन माइनस डब्लू अपोन माइनस आयोटा इक्वल टू जेड अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा जीरो, जो जीरो माइनस वन तो माइनस आयोटा अपोन माइनस आयोटा अपोन जेड। तो इम्प्लाइड है डब्ल्यू इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ माइनस के वन अपोन जेड। तो इम्प्लाइड है डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के वन अपोन जेड जो कि अभिष्ट क्या है रूपांतरण है। तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के वन अपोन जेड एक अभिष्ट रूपांतरण हमें प्राप्त हुआ। तो ये द्विरेखिक रूपांतरण क्या प्राप्त हो गया डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के वन अपोन जेड। तो ये आपका सवाल है वो क्वेश्चन है वो क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें जब ये ध्यान रखें कि जो भी पॉइंट इन्फिनिटी दे रखा है उसको हम कॉमन लेते हैं सबसे पहले, चूँकि कॉमन इसलिए लेते हैं चूँकि इन्फिनिटी पॉइंट दे रखा है तो कॉमन लेंगे तो हर में चल जाएगा, तो वन अपॉन इन्फिनिटी उसका मान कितना होता है जीरो, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी नहीं होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज मैंने आपको सबसे पहले बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित थ्योरम के बारे में पढ़ाया। तो सबसे पहले मैंने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड थ्योरम के बारे में पढ़ाया, उसके बाद लैम्ब्डा जो टर्म है उसका मान कैसे निकालते हैं उस मान को निकालना मैंने आपको बताया, उसके बाद हमने हमारी जो पाँचवीं यूनिट है फिफ्थ यूनिट है उसके क्वेश्चन कराए, उसमें एग्जाम्पल कराए, एग्जाम्पल फर्स्ट कराया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसके बाद हमने एग्जाम्पल फोर्थ कराया जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको टाइम मिले जो भी मैंने आपको पढ़ाया है जो भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड थ्योरम पढ़ाइए तथा दो एग्जांपल कराएं उन्हें आप सॉल्व करें, जिससे आपकी बुक में इनसे रिलेटेड जो भी एग्जांपल दे रखे हैं उन्हें करने में आपको परेशानी नहीं हो, तथा अगली क्लास में जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं और जो थ्योरम पढ़ाई है उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ उन्हें समझने में आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए जो भी आज पढ़ाया उसे बड़े ध्यान से पढ़ें। ओके स्टूडेंट।